वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 प्राइवेसी टिप्स फॉर हाइब्रिड वर्क। सबसे पहली टिप ये है कि ऑलवेज चूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन व्हेन एवर पॉसिबल। कि जब कभी आप फेसबुक इस्तेमाल करें, ट्विटर इस्तेमाल करें या कोई भी बैंक की वेबसाइट इस्तेमाल करें, हमेशा आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें। ये ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और मुश्किल होता है बैड एक्टर के लिए कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। वैसे जो ईमेल और तमाम वेबसाइट की ऑथेंटिकेशन के लिए हम पहले यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करते थे, और पासवर्ड जो है वो हमारे हैक भी हो जाते थे, कंप्रोमाइज़ भी हो जाते थे। तो उसके लिए उसको इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ की गई है, जो कि OTP यूज़ करता है, वन टाइम पासवर्ड यूज़ करता है, जो एक डिजिट्स होते हैं जो आपको ईमेल कर दिए जाते हैं या आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर भेज दिए जाते हैं, और वो उसी टाइम जनरेट होते हैं, उसकी कोई टाइम लिमिट होती है, उसके बाद वो यूज़ेबल नहीं रहते और वो आपको इंटर करना पड़ता है ऑथेंटिकेशन के लिए। और वो आपकी प्रोफाइल को चेक करके, आपकी अगर लोकेशन चेंज हुई है, कोई और डिवाइस यूज़ की है, तो वो हमेशा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। और इससे जो अगर किसी को आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पता भी चल जाए और वो दुनिया के किसी और कोने या लोकेशन से एक्सेस करने की कोशिश करे, तो वो जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जो OTP पासवर्ड है, वो आपके मोबाइल फ़ोन में आएगा और कोई दूसरा बंदा उस पासवर्ड को, आपके अकाउंट को हैक नहीं कर सकेगा, रीसेट नहीं कर सकेगा। सेकेंड ये है, साइन आउट ऑफ योर अकाउंट्स वंस यू आर नो लॉन्गर यूजर देम। कोई भी अकाउंट आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, कोई सा भी बैंक है, तो आप साइन आउट रहें। और उसमें अगर आप साइन आउट नहीं रहेंगे तो जो बैड एक्टर्स है वो आपके अकाउंट को हैक कर लेगा और री इंटर कर देगा पासवर्ड, और जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको बाईपास कर देगा। थर्ड वन, डू नॉट एवर सेव योर पासवर्ड इन योर ब्राउजर और एप्लीकेशंस। जब भी हम लॉगिन होते हैं ईमेल के लिए, तो वो हमसे पूछता है क्या इसको ब्राउज़र में मैं सेव कर लूँ, ताकि दोबारा इसको जो है यूज़र नेम पासवर्ड ना देना पड़े। कभी भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपकी डिवाइस चोरी हो जाती है और हैक हो जाती है, और सेफ पासवर्ड जो है वो बैड एक्टर के पास जा सकते हैं। फोर्थ वन जो है, रिव्यू ऑल योर डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस फॉर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी परमिशंस। एक्सेस टू कॉन्टैक्ट कैमरा माइक्रोफोन इज नॉट नीडेड टू डिलीवर द सर्विस। डू नॉट एक्सेप्ट द यूज ऑफ इट और टर्न इट ऑफ टू बेटर प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। मोबाइल फोन के अंदर जहाँ पे वो पूछता है, हर सॉफ्टवेयर पूछ रहा होता है, तो जब तक जिस एप्स के ऊपर आपको ट्रस्ट ना हो, तो कभी भी उसको अपने कॉन्टैक्ट कैमरा और माइक्रोफोन की इजाज़त ना दें कि वो उसको एक्सेस कर सके, और इससे आप अपनी प्राइवेसी को सेव कर सकते हैं। फाइव, वेरीफाई द रिक्वेस्ट बिफोर शेयरिंग एनी पर्सनल डाटा। अच्छे तरीके से यकीन कर लें आप अपने बैंक की इंफॉर्मेशन, कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन देने से पहले, क्योंकि विशिंग स्पैम कॉल आती है कि मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ। इस तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन देने से बचें। इस फिशिंग स्पैम टेक्स्ट मैसेज आता है, फिशिंग ईमेल्स आती हैं, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप आपका बैंक अकाउंट जो है उसको चेंज कर लें, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बैंक जैसी वेबसाइट ओपन हो जाती है और वो आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और तमाम डिटेल कंप्रोमाइज हो जाती है। तो जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर लें दोबारा टू वे, उस वक्त तक ना दें। सिक्स, चेंज योर पासवर्ड। आपकी जितनी भी डिवाइसेस आती हैं उसमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं, उनको चेंज कर दें अपने DSL राउटर्स की और डिफरेंट, ताकि उसमें कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो, आपका अकाउंट कंप्रोमाइज ना हो। सेवन, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जब भी प्रो पासवर्ड रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, और कम से कम 12 करेक्टर्स हों और पास फ्रेस हों और अल्फा नुमेरिक हों, स्पेशल करेक्टर हों, और अगर बेहतर समझे तो पासवर्ड मैनेजर यूज़ कर ले, वो आपके लिए कोई सिक्योर पासवर्ड जनरेट कर देगा। एट, डोंट यूज़ पर्सनल इंफॉर्मेशन इन योर पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चंस। बार दफ़ा अकाउंट रिकवर करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और इस किस्म की पर्सनल इंफॉर्मेशंस ना दें, ताकि कोई बैड एक्टर को प्राइवेट अकाउंट को एक्सेस ना कर सके। नाइन, डोंट शेयर योर फोन विद अदर्स। किसी को फ़ोन ना दे दें। कोई फ्रेंड कहता है मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए फ़ोन, वो किसी बैड लिंक को क्लिक कर सकता है और कोई हार्म चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, लैपटॉप में हो सकता है, कोई आपसे लैपटॉप मांग लेता है, कोई चीज़ डाउनलोड कर लेता है,
आपका सारे लैपटॉप में रैंसमवेयर आ सकता है, कंप्रोमाइज हो सकता है, मोबाइल फोन कंप्रोमाइज हो सकता है। 10, आप ब्लर वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करें और प्राइवेसी स्क्रीन को हाइड कर दें, पर्सनल इंफॉर्मेशन को, अपनी सराउंडिंग पिक्चर्स और उन चीज़ों को शेयर ना करें दूसरों के साथ जिससे आपकी प्राइवेसी मुतासर होती है। और उसके अलावा अपने जो लैपटॉप है उसके कैमरे को ऑफ करें या कैमरे के सामने उसको कोई क्लिप लगा दें ताकि वहाँ से कोई बंदा आपकी पता भी ना चले और आपकी रिकॉर्डिंग हो रही हो। इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का भी जो है वो प्रॉपरली इस उसमें चेक करें, बाज़ वो कैमरा उसका भी बाई डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाता है मोबाइल फ़ोन का, उसका भी इस चीज़ का ख्याल रखें और इन सारी चीज़ों से आप अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी कर सकते हैं। 10 स्टेप्स हैं, बेसिक 10 स्टेप्स हैं जिसपे आप अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये था मेरी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।